बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। दुआ है रब्बे ज़ल जलाल से, मेरे देखने वाले जहाँ रहे हैं अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद हूँ इस माँ जी के पास जो बेवा माँ है और ये माँ जी कैंसर की मर्ज में मुब्तला हैं। अल्लाह पाक इनकी परेशानी, अल्लाह पाक इनकी मुश्किलात दूर फरमाए। तो ये माँ जी इस वक्त ज़िंदगी और यानी मौत की कश्मकश में हैं। तो इनको जो मर्ज है, कैंसर है फोड़ा, जिसे हम कैंसर कहते हैं, तो गुर्बत है इस माँ जी की, बहुत ज़्यादा इसके पास गुर्बत है। इनका जो हस्बैंड था उसकी डेथ हो गई है, अब ये बेजारो मददगार हैं, बेसहारा हैं इस दुनिया में। इनका करने वाला, इनका इलाज यानी करने वाला कोई नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं? भैया ठीक है अम्मा जी। तो माँ जी आपको क्या मसला है, क्या मर्ज है? कैंसर थोड़ा है, मल्ला जी से हम कहते हैं। अच्छा जी, तो आपने इलाज करवाया था? गुर्बत है इसी वजह से। आपका करने वाला कोई बेटा है? अच्छा जी, छोटा बच्चा है, वो काम दिन मेहनत मजदूरी कुछ नहीं कर सकता। तो आपके हस्बैंड को कितना अर्सा हुआ उसकी डेथ को? दो साल होने वाले हैं। तो अपना पहले आप सो चुकी हैं, आपको मर्ज है, थोड़ा हो चुका है, कैंसर में मुब्तला है। तो पहले आप कहाँ से अपने घर का सर्कल चला रही थी, कहाँ से खाती हुई? हक हमसायों के तामन से, पड़ोसियों के तामन से, जो सदकात खराज वगैरह देने देते हैं आपको। अच्छा जी, तो माँ जी अब आप क्या कहना चाहेंगी, जो मेरे बहन भाई आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या? तो खावट पे में देखा शायद दो दो डेढ़ तरह तरह डेढ़ सब भूख का तरह जो तो जिंदगी के दिया रहे हैं सब कोई खावट पे में देखा सके काम लेते हैं। जी जी तो नाज़रीन इकराम, इससे माँ जी का कहना है दो दो दिन तक मैं ऐसे ही भूखी सोई रहती हूँ। एक तो मुसीबत है हमारे घर में, तकलीफ़ है, तो फिर भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो जितने दिन माँ जी का कहना है ज़िंदगी के हैं वो गुजार रही हूँ। तो ये मुसीबत, ये तकलीफ़ दी ही अल्लाह पाक ने है, और इसको काटेगा भी वही। तो जितने दिन मेरी ज़िंदगी के हैं गुजार रही हूँ, लेकिन मेरे साथ तामन किया जाए खाने के लिए, मेरे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं होता। दो दो दिन ऐसे ही सोई रहती हूँ, कोई कुछ नहीं देता खाने के लिए। तो रिक्वेस्ट है मेरी भी इस माँ जी के खाने के लिए, इस डिसेबल माँ जी के खाने के लिए रिक्वेस्ट है, इनके खाने के लिए घर में कुछ नहीं, राशन नहीं। ये बेचारी ज़िंदगी और यानी मौत की कश्मकश में है। तो जितने दिन इनकी ज़िंदगी है, यही कहना है इस माँ जी का, मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाए। तो माँ जी आपने दुआ में याद रखना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए अच्छा वसीला बनाएगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, तब तक चाहूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।